वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 27, जिसका सबमिशन डेट है 04/09। तो इसमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आपका कुछ क्वेश्चंस दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, आप देखेंगे कि इसमें दे रखा है हमारे रिंग ऑफ कार्टिलेज के बारे में कुछ दे रखा है। ये देखिए क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन है। और सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। और थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्रगम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इसका आंसर आपके वर्कशीट में है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को आंसर दिखाना चाहूंगी। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज जो कि हमारे थ्रॉट में यानी कि गले में होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रॉट एज इट हेल्प द थ्रॉट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज अ लो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। जब भी कम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो रिंग ऑफ कार्टिलेज वहां पे हमें हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प देम टू एक्सपेंड, ये हमारे थ्रॉट को यानी कि गले को चौड़ा यानी कि एक्सपेंड कर देता है जब फूड और वाटर उसमें से पास हो रहे हो। दस इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग द थ्रोट ड्यूरिंग एयर ब्लॉकेज एंड हेल्प इन स्मूथ एयर फ्लो। तो हमारे गले के अंदर से एयर स्मूथली फ्लो हो जाए, जिसको कौन संभालता है, हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो फर्स्ट आंसर आपको इतना ही लिखना है। एंड सेकेंड में क्या देखा है, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। तो ह्यूमन जो कि मल्टीसेलुलर है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल है, तो इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखो, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी। तो सेल के अंदर से जो ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, तो उस प्रोसेस को खाली डिफ्यूजन संभाल नहीं सकता। इसीलिए क्या है कि हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, हमारे अंदर हमारे ब्लड सेल में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, विच हैज हाई वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, टेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। तो इसका मदद कौन करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में, हेमोग्लोबिन। तो आपको इतना ही आंसर लिखना है कि हेमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये क्वेश्चन आपके पिछले वर्कशीट में भी था और इसमें भी है। तो आप लोगों को पता है इनहेलेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं, एक्सहेलेशन जब हम सांस छोड़ते हैं, तब हमारे डायफ्राम के साथ क्या होता है। अपॉन इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है और हमारे चेस्ट कैविटी इनलार्ज हो जाते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट अ वैक्यूम, वो हमारे लंग्स के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करता है यानी कि एक खाली सी जगह क्रिएट करता है, विच पुल एयर इनटू द लंग्स, जिससे क्या होता है, एयर सारे लंग्स के अंदर आ जाते हैं। और फिर एक्सहेलेशन के वक्त क्या होता है, द डायफ्राम रिलैक्स, वो अपने पहले शेप में आ जाता है। कौन से शेप में, रिटर्न्स टू इट्स डॉम लाइक शेप, जैसे डायफ्राम पहले दिखता था वैसे उस शेप में आ जाता है और एयर जो है वो बाहर की ओर चला जाता है लंग से। तो इतना आंसर आप लोगों को लिखना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।